प्रदेश में सत्ता खोने के बाद कांग्रेस अब उपचुनाव में पूरी ताकत से उतरने की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के प्रचार की कमान कांग्रेस ने राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट को सौंपी है। अब पार्टी ने इन्हें स्टार प्रचारक बनाया है और इसे लेकर भाजपा ने चुटकी ली है। देखिए खास रिपोर्ट। महामंत्री है अखिल भारतीय कांग्रेस की, उनको आना चाहिए, उनकी छवि है और वो मतदाताओं को आकर्षित करेंगी, उससे एक प्रभाव पड़ेगा। और सचिन पायलट जो राजस्थान में उनके क्षेत्र हैं वो मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं और गुर्जर समाज का पूरा वोट उन इलाकों में है, तो निश्चित तौर पर उनको आना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने आमंत्रित किया है और हम लोग सब उनका स्वागत करेंगे। कौन? सचिन पायलट को ला रहे हैं। प्रियंका गांधी? कोई दिक्कत नहीं, आने दो। ऐसे आपको ध्यान होगा कि जब उत्तर प्रदेश के चुनाव थे, प्रियंका गांधी प्रियंका गांधी प्रियंका गांधी ऐसा एक बवंडर खड़ा हुआ, हमको लगा कि साहब ये पूरा पत्ती उड़ा डालेगी, क्या बात है। तो वहाँ पे देखा उत्तर प्रदेश में साफ हो गए। इसलिए क्या हुआ, एक हवा बनाने का काम है। चंबल का आदमी स्वाभिमानी है, मान सम्मान का भूखा है। कमलनाथ जी ने 12,000 करोड़ रुपए छिंदवाड़ा में अकेले ले गए, चंबल में एक पैसा नहीं दिया है। जैसी सरकार बनती है 8,500 करोड़ का चंबल प्रोग्रेस वे किसी ने दिया है, वो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के प्रयास से, मेरे प्रयास से और नितिन गडकरी और मोदी जी के प्रयास से। तो चंबल का आदमी देखता है काम कौन कर रहा है, इसलिए कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, इसका कोई असर होने वाला नहीं है। ये चुनाव नीचे का है, बूथ का चुनाव है, कोरोना के संकट का चुनाव है। तो बूथ के बारे में कहते हैं कि कैडर बेस मॉस ऑर्गेनाइजेशन, कार्यकर्ता आधारित जन संगठन, ये भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए हमारे कार्यकर्ता बूथों पर लग के जनता की अगाध कृपा से शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जीत के आएंगे।